स्टूडेंट्स, दिस इज धर्मेंद्र कुमार एंड वेलकम टू द रघुवंश गवर्नमेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं और कंप्यूटर में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4 जिसका नाम था ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि सिस्टम क्या होता है, टाइप ऑफ सिस्टम, कितने टाइप के सिस्टम्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखा था और हमने देखा था एप्लीकेशन सिस्टम और यूटिलिटी सिस्टम। नाउ अब हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू विंडोज। विंडोज को हम देखने वाले हैं, विंडोज क्या होती हैं, क्या उनका वर्क रहता है और वो कैसे काम करती हैं। तो ओपन योर बुक एंड गो टू द पेज नंबर 84। ठीक है, 84 पेज नंबर पे क्या हो, आप ये ऊपर देखेंगे ना तो यहां पे आपको मिलेगा हेडिंग इंट्रोडक्शन टू विंडोज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ क्वेश्चन कम्स इनटू अवर माइंड बाय द नेम विंडोज। उसका नाम विंडोज क्यों है? It is because whatever icon you click on this display it in a window, you come open window with in window। कि जो भी आइकन पे आप क्लिक करेंगे इस विंडो में वो एक नई विंडो में ओपन हो जाएगा। विंडोज लॉन्च इट फर्स्ट रिटेल वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑन नवंबर 20, 1985। कब किया था विंडोज ने अपना नया वर्जन लॉन्च किया था? विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने किया था नवंबर 20, 1985 में। द फर्स्ट वर्जन वाज लाइक एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय द आईबीएम पीसी। किसके जैसा था वो? एमएस डॉस के जैसा था ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड फॉर द आईबीएम पीसी, जो कि इसके लिए डेवलप किया गया था। आईबीएम बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि हार्डवेयर में डील करता है, उसके लिए किया गया था पीसी। एंड कॉम्पिटेबल मशीन सेंस इज इट्स कॉन्सेप्ट डिफरेंट वर्जन ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर हैज बीन लॉन्च फॉर द न्यूअर नेमली विंडोज 3.1। विंडोज 90 फिर उसको हमने इस तरह से किया कि विंडोज 3.1 किया, फिर विंडोज 95 किया, विंडोज 98 किया, विंडोज एनटी किया, विंडोज 2000 किया, विंडोज एक्सपी किया, विंडोज विस्टा किया, विंडोज 7 किया, फिर विंडोज एक्स की बाद विंडोज 8 आया, विंडोज 9, विंडोज 10 एंड नाउ वी हैव विंडोज 8। अर्लियर वी हैड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एमएस डॉस एंड द यूजर हैड टू टाइप द कमांड्स बट कैन यू हैव GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI क्या होता है? GUI आपको है समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो हम इस बात करेंगे अभी। द यूजर नीड्स टाइप कमांड्स ही और सी कैन यूज द सिस्टम्स विच माउस एंड आइकन। मतलब ये विंडोज हमको इंटरफेरेंस करने के लिए GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस की हेल्प से इनको हम यूज कर। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI होता क्या है? तो आपने सभी ने कंप्यूटर ओपन किया है, उस पर जब आप ओपन करते हैं डेस्कटॉप को तो उस पर छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, कहाँ पे आपको जाना है, किस फोल्डर में जाना है, माय कंप्यूटर में जाना है, रिसाइकल बिन में जाना है या फिर आपको किस फोल्डर में जाना है। आपको नीचे देखोगे तो स्टार्ट बटन होता है, मेनू जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको सपोज करो माय पीसी में, मतलब माय पीसी में जाना है तो माय पीसी में जाओगे आप, वहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको ड्राइव सी डी ई एफ जो भी ड्राइव्स हैं वो आपको ओपन हो जाएगी। ठीक है, फिर उनमें आप किसी भी
फोल्डर में म्यूजिक सुनना चाहते हो, या कुछ भी करना चाहते हो, मूवी देखना चाहते हो, या कुछ और आपका कोई और पेंटिंग करना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो, तो उसके लिए आप वहाँ पे आप ओपन करोगे, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं आप, उसमें आप जब देखोगे तो बैक करने के लिए ऑप्शन होता है, कि अगर बैक करने के लिए इसका एक ऑप्शन ना होता है, ठीक है। अगर आपको फॉरवर्ड करना है तो इस तरह से बना हुआ है। अगर आपको मतलब क्लोज करना है तो इस तरह का बना हुआ है, आपको मिनिमाइज करना है तो इस तरह का बना हुआ है, ठीक है। या फिर आपको सेव करना है तो उसके लिए सेव का वो बता हुआ है, उसे लिखा हुआ है। ओपन करना है तो उस तरह से, इरेज करना है मतलब पेंटिंग में आपको इरेज करना है, कलर करना है, कुछ ही करना है, तो उसके लिए वहां पे अलग से वो उस तरह का आइकन मतलब बना हुआ है। तो ये क्या है कि आप उसको देख कर समझ सकते हो कि यार मुझे ये उसमें करना है, ठीक है। अब सपोज करो कि ये सब चीजें नहीं होती, फिर किसे का आप उसको यूज करते। ग्राफिकल मतलब कुछ ग्राफिक्स फॉर्म में वो हम उसको यूज कर सकते हैं, जिससे वो इजीली हमको समझ आ जाता है कोई भी व्यक्ति को। अब हमको ही समझ में नहीं, आप ऐसा नहीं कि एक बहुत वेल क्वालिफाइड व्यक्ति ही उसको चलाएगा, नहीं, उसको एक मिडिल क्लास मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम पढ़ा लिखा है वो भी चला सकता है इन ग्राफिक्स की हेल्प से, ठीक है। तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ जीयूआई विंडोज क्या है उसको हम देखेंगे। डेस्कटॉप है, ऑफिस बटन है, क्विक असेस टूल बार है, इस तरह से टूल बार है, स्टेटस बार है, ये सब चीजें हैं, इनको आप अपने से रीड करेंगे। टूल बार, रिबन, रूलर, रूलर मतलब जो स्केल है वो, ठीक है, स्क्रॉल बार, टेक्स्ट एरिया, इस तरह से। ये आपके लिए होमवर्क है। यूजिंग माउस एंड मूविंग आइकन ऑन द स्क्रीन, यूजिंग माउस एंड मूविंग आइकन ऑन द स्क्रीन क्या है। बी नो दैट माउस इन द इनपुट डिवाइस कनेक्टेड एक्सटर्नली ऑन द कंप्यूटर। एक माउंट एक इनपुट डिवाइस है जो कि एक्सटर्नली कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। इट हैज थ्री बटन्स, राइट क्लिक बटन, लेफ्ट क्लिक बटन एंड द सेंटर स्क्रॉल। इसमें तीन बटन होते हैं, लेफ्ट का होता है, राइट का होता है, और सेंटर में स्क्रॉल का होता है। अप डाउन थ्रू द पेज, इट इज यूजली वर्क टू डेस्कटॉप पीसी विद द माउस होल्ड द पीस। चलो नीचे आते हैं। व्हाट इज एन आइकन, आइकन क्या होता है। आइकन आर स्मॉल पिक्चर ऑफ द डेस्कटॉप विच आर यूज इन ओपनिंग एन एप्लीकेशन एंड वर्किंग ऑन इट। एक छोटा सा क्या होता है, एक पिक्चर होती है जिसके हेल्प से हम एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। क्रिएटिंग शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या होता है कि सपोज आपने कोई अंदर बहुत अंदर जाके फाइल रखी है, कोई सेव की है, कोई चीज की है, आपको आपको उसको बार बार यूज करना है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, एक वो शॉर्टकट कर लोगे तो जाके वो डेस्कटॉप पे ही आपका वो आपका आइकन आ जाएगा, समझ रहे हैं। मतलब ऐसे कि आपको सपोज करिए आपको फोटोशॉप या फिर कोई भी वो एक्सेल की सीट है कोई भी आपकी, ठीक है, जो आपने वो अंदर आके सेव की है, अब उसको आपको बार बार यूज करना होता है, तो आप उसको बार बार ओपन करोगे, फिर अंदर जाके और फिर अंदर जाओगे, फिर ढूंढोगे उसको वो सारी चीजों में, तो उससे अच्छा ये है कि आप उसको डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट बना के डालते हो उसका, आप शॉर्टकट से सीधा वो हम आपको ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो शॉर्टकट कैसे ओपन करते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, डेस्कटॉप शॉर्टकट मेन्यू, डेस्कटॉप शॉर्टकट मेन्यू क्या होता है उसको आप पढ़िए। रिस्टोर विंडोज, मिनिमम विंडो, मिनिमाइज विंडोज और मैक्सिमाइज विंडोज। रिस्टोर विंडोज में तो ये क्या है, सब सिंपल सी चीज है कि आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो मतलब छोटे उसमें कर सकते हो, मैक्सिमाइज मतलब छोटे उसमें है, तो फिर आप उसको फुल स्क्रीन में कर सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ मेन्यू एंड मेन्यू सिलेक्शन, डिफरेंट टाइप के मेन्यूज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसके जो आइकन है उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। रनिंग एंड एप्लीकेशन सेटिंग सिस्टम एंड डेटा टाइम, रनिंग एंड एप्लीकेशन, आप किसी एप्लीकेशन को रनिंग करते हो, इंस्टॉल करते हो, कैसे करना है, सिंपल सी चीज है, उसमें क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको ओके करो मतलब कहाँ पे सेव करना है उसका पाथ चुनोगे आप, उसको ओके कर दोगे, ठीक है, तो अपने से रन हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी।
सेटिंग किसी टाइम और डेट को सेट कैसे करना है, ये तो बहुत इजी है, आपने किया होगा, बिल्कुल किया होगा ये। जब आप इसको मॉनिटर पर जाते हैं तो आपको राइट साइड में इस पर मिलता है, आपको जहाँ पे टाइम चलता है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से टाइम और कर सकते हैं। वर्किंग विथ विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोर के साथ काम कैसे करना है, तो क्रिएट फोल्डर, रिमेनिंग फोल्डर, कॉपिंग फोल्डर, एडिटिंग फोल्डर, ये सब आपको आते ही होगा, बहुत इजी है, पहले ही पढ़ चुके हैं आप उसको। बाट इज रिसाइक्लिंग, रिसाइक्लिंग में क्या होता है, कोई चीज़ आप वहाँ से मेन फोल्डर से क्लिक करते हो तो वो आपको रिसाइक्लिंग में आ जाती है। मूविंग फाइल एंड फोल्डर, फाइल फोल्डर मूव कैसे करना है, तो आप उसको क्लिक कर रहिए, कहीं मूव कर दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें, इजी है, ठीक है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या है, क्लिपबोर्ड क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग विंडोज और ओपनिंग क्लोजिंग विंडोज, व्हेन यू कॉपी और कट और फाइल फोल्डर इट इज टेम्पररी स्टोर्ड इन द क्लिपबोर्ड। जब आप इस कॉपी कट करते हो तो वो कहाँ पे स्टोर होती है, टेम्पररी क्लिपबोर्ड में स्टोर होती है। सो व्हेन यू कॉपी सम टाइम समथिंग यू आर एक्चुअली फर्स्ट कॉपिंग इन टू द क्लिपबोर्ड, व्हेन यू आर पेस्टिंग ऑन सम फाइल एंड हिडन एंड और फोल्डर यू आर डूइंग इट फॉर्म ऑफ क्लिपबोर्ड। ये हम किसकी साथ ऐसा कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड के साथ ऐसा कर सकते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग विंडोज क्या है, व्हेन यू स्विच स्विच ऑन योर कंप्यूटर विंडोज विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली, यू कैन सी द विंडोज एंड देयर आइकन ऑन इट। जब हम विंडोज को ऑन करते हैं, लैपटॉप को और पीसी को ऑन करते हैं तो अपनी ऑन हो जाती है। क्लोजिंग विंडोज कैसे करना है, क्लोज कैसे, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन यू विल सी शट डाउन, हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो वहां पे हमको शट डाउन का ऑप्शन मिलता है। और क्या मिलता है, इन द राइट साइड क्लिक ऑन इट, इस पे हमको क्लिक करना है शट डाउन पे, इन द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली यू कैन रीस्टार्ट इट विल केस ऑफ रिस्टार्ट इट विल क्लोज ऑफ प्रोग्राम शट डाउन। सिंपल था, आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, आपने किया होगा ना शट डाउन कैसे करते हैं, आप स्टार्ट पे क्लिक करते हो तो आपको शट डाउन का रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो वैसे ही आप उसको वहां से शट डाउन पे क्लिक करके उसको आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ ही ये फिनिश होता है हमारा फिफ्थ चैप्टर, सॉरी फोर्थ चैप्टर फिनिश होता है। फिफ्थ चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन बेसिक टूल्स, इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे, आप इसको प्रॉपर तरीके से एक बार देख लीजिएगा और कॉपी चेक करने के लिए अपडेट करते रहिएगा। सो थैंक यू फॉर द